नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो आवाज़ न्यूज़। कलकत्ता में 8 अगस्त को मेडिकल छात्रा के ऊपर गैंगरेप और मर्डर के किस्से में समग्र देश में उसका असर देखने को मिला है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और आंदोलन कर रहे हैं। काम करने के कलाकों और आराम करने की जगह, ऐसे मुद्दों पर भी डॉक्टरों ने अंदर अंदर नाराज़गी दिखाई है। बंगाल की बूंदे गुजरात में भी देखने को मिली। उस पीड़िता को और उसके परिवार को न्याय मिले, उसके हेतु से गुजरात के महसाणा जिला के वडनगर में GMERS मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने रात्रि के समय दरमियान कैंडल मार्च किया और उसके परिवार को न्याय मिले, ऐसा भारत सरकार को भी अनुरोध किया और विद्यार्थी परिषद बंगाल के मुख्यमंत्री को भी चेतावनी दिया, अगर बंगाल की कायदा और परिस्थिति को नहीं संभाल सकते हो तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम, आपका नाम क्या है और आज यहाँ पे कैंडल मार्च करने में आया, इसकी वजह क्या है? जी, मैं इंटर्न डॉक्टर निकिता नीरज सिंह हूँ। मैं GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वडनगर को रिप्रेजेंट करती हूँ और हम यहाँ पे सारे इंटर्न डॉक्टर्स, सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स, फर्स्ट फाइनल ईयर के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि RG का मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है हमारे फेलो रेसिडेंट डॉक्टर के साथ जो हुआ है, 36 घंटे उन्होंने अपना शिफ्ट कर रहे थे और उसके बीच में उनके साथ इतना आपत्तिजनक व्यवहार हुआ है और हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर हुआ है और तब भी अभी तक उस पर कोई कड़ा फैसला नहीं आया, कोई हमारा आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं और ओवरऑल पूरे इंडिया में ऐसे आए दिन वारदात होते रहते हैं। तो हम उस सॉलिडारिटी में यहाँ पे खड़े हैं और उनको हम सभी को वो रिप्रेजेंट करती थी, वो हो सकती थी, हम हो सकते थे और अभी जो डॉक्टर्स अपने कैबिन्स में बैठे हुए हैं वो भी हो सकते थे और हमारे साथ कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, ड्यूटी रूम्स नहीं दिए जाते हैं और स्पेशली जो कोलकाता में हुआ है उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, स्पेशली वहाँ की लेडी सीएम क्या रिप्रेजेंट करती है कि लेडी की सिक्योरिटी तो होगी एटलीस्ट, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ और उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आके हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है कि हाँ भाई इनको भी सिक्योरिटी दी जाए और जो प्रोटेस्ट में सब खड़े हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि ये अच्छा ह्यूमैनिटी नहीं है। क्यों आप एक तरफा ह्यूमैनिटी डिजर्व करते हैं? पूरी ह्यूमैनिटी हमने ही ठेका लेके रखा है, हम तो अपने प्रोफेशन में, जैसे आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हो, हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो ह्यूमैनिटी का जिम्मा भी हमारे ऊपर ही है। Movement, it should not be only about doctors, that doctors have to protest. Just as humans, your women, your sisters, everybody is not safe. This happened at a place of work. It is not a reason. You don't have to be a doctor, a white collar to stand with us. You just have to be a human. That's it. मेरा नाम डॉक्टर उमेश ठाकुर, गायनेक रेसिडेंट, GMERS वडनगर। मैं गवर्नमेंट से एक ही अपील करूंगा, हम सारे डॉक्टर मिलके, कि जो भी घटना हुई है उसमें कोई भी इन्वॉल्व है, चाहे कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, ऊपर से कोई प्रेशर हो तो, या पुलिस का भी कोई प्रेशर हो, तो गवर्नमेंट ने जो इस चीज में इन्वॉल्व हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, हैंग टिल डेथ। तो अपन आज जो सब डॉक्टर इकट्ठा हुए, हमारा तो एक ही मकसद है कि ये घटना वापस नहीं होनी चाहिए।